नमो नमो अंबे सुखकर्णी, नमो नमो अंबे दुखहरी। नमस्कार, टीवी जगत के सबसे बड़े एस्ट्रो शो नौ देविया में आप सबका स्वागत है। मैं मीरा महाजन आपको बताऊंगी कि भगवती के कौन से स्वरूप स्वामिनी बनती हैं, कौन से ग्रह की, और आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए कौन से दिन का व्रत करना रहेगा श्रेष्ठ। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति थपलियाल। देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के पीछे क्या है प्रतीकात्मक रहस्य, वो मैं आपको आज बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। मैं बताऊंगी कि रात्रि की पूजा से माँ ब्रह्मचारिणी से क्या क्या वरदान पाने हैं आपने। मैं हूँ श्रुति और आज नवरात्रि का है दूसरा दिन। आज माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत है और आज के दिन किस रंग के खास प्रयोग से आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में आज आपको बताऊंगी मैं। जय माता दी, मैं डॉक्टर वाय राखी। आज दूसरे नवरात्रे में कौन से कर्म नहीं करने और तपस्या को भंग नहीं करना, मैं बताऊंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और नवरात्रि के दूसरे दिन में बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र की, जो लेके आएगा आपके रिश्तों में मिठास की फुहार और धन धान्य की बौछार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला और शक्ति की यात्रा के दूसरे पड़ाव में आपको बताऊंगी कि क्या आपकी भी शादी नहीं हो रही, क्या करें, किस मंत्र का जाप करें। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। मैं बताऊंगी गुलाब के छोटे छोटे उपाय जो कि आपके जीवन में सुगंध लेके आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और मैं आपसे बात करूंगी नवरात्रि से जुड़े एक और सवाल के बारे में, क्या व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं। नवरात्र का दूसरा दिन है देवी ब्रह्मचारिणी के नाम। देवी के स्वरूप के पीछे क्या प्रतीकात्मक रहस्य छिपा हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देवी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म की तरफ आचरण जिनका है वो देवी, जो हायर नॉलेज है उसको जानने वाली। ब्रह्म यानी कि इन्फिनिटी, अनंत की तरफ यात्रा करने वाली देवी। जो ब्रह्मचारिणी है वो सभी देवियों से बेहद अलग है। सभी देवी किसी न किसी तरह के वाहन पर विराजमान है या फिर आसन पर विराजमान है, लेकिन ब्रह्मचारिणी जो है वो पैर उनके जमीन पर हैं, वो खड़ी हैं। यानी ये संकेत देता है कि व्यक्ति जब ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है तो वो बेहद ही सरल हो जाता है। देवी के दोनों हाथों में, एक हाथ में तो उनके है जपमाला और दूसरे हाथ में उनके पास है कमंडल। अब देखिए, जो जपमाला है वो इस्तेमाल की जाती है ध्यान के लिए, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए जप माला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य साधना चाहते हैं, तो देवी आपको संकेत दे रही है कि लक्ष्य को साधने के लिए आप उनकी तरह ही मेडिटेशन करें। दूसरे हाथ में उनके पास है एक कमंडल, जल से भरा हुआ कमंडल। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की चेतना गिरती है तो आप उसे जल डाल के उसकी चेतना को वापस ले आते हैं। ठीक इसी तरह इस जल में है ब्रह्म के ज्ञान का जल, इस कमंडल के अंदर है, और इस कमंडल से देवी आपकी चेतना को जागृत करने की कोशिश कर रही हैं। देवी ने बहुत सारे कमलों के आभूषण पहने हुए हैं, जिसका संकेतात्मक अर्थ ये है कि देवी बताना चाहती हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है जब बढ़ जाता है तो पूरा व्यक्तित्व फूलों की भांति महक उठता है। आप देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना कीजिए, आपकी क्रिएटिविटी और भी बढ़ जाएगी। देवी की ये आराधना आपके लिए मंगलमय हो। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। आज की जाएगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि का दूसरा दिन, दिन की पूजा लेकिन नवरात्रि यानी रात्रि की पूजा का भी खास महत्व है। माँ की पूजा का पूर्ण फल पाना है तो सुबह और रात्रि, थोड़ा सा जागरण रात्रि का जरूर करना है। जागेंगे तो पाएंगे, सोएंगे तो खो जाएंगे। तो अब की बार जागना है आपने, सोना नहीं है, यानी रात के 12 बजे से पहले आपने निद्रा अवस्था में नहीं जाना है। सुबह कीजिए माँ को प्रसन्न पंचमेवा से,
और साथ में थोड़ा सा शक्कर का भोग लगा दीजिए। लेकिन रात्रि की पूजा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मीन्स तप, आचरण यानी चारिणी, ब्रह्मचारिणी, तप करके पाइए कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको रात को जागरण करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। लाल आसन ले लीजिए, जो कि मंगल ग्रह को निर्धारित भी करता है, और लाल रंग माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग भी है। और लाल आसन पर बैठ करके ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जाप के अंदर बड़ी शक्ति है। लेकिन जाप करने से पहले एक ध्यान रखना है, अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में रख करके जाप कीजिए, समर्पण कर दीजिए माँ को, और माँ को समर्पण करते ही आप जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ पाना शुरू कर देंगे, आरंभ कर देंगे, जिससे आपका जीवन बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। मंगल ग्रह जो मेष यानी कि एरीज, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के रूलिंग प्लैनेट है। यानी अगर आपकी राशि एरीज या स्कॉर्पियो है, यानी मेष या वृश्चिक है, तो आपके लिए नवरात्रि का ये दूसरे दिन का व्रत करना बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही फलदायक रहेगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, या फिर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है कुंडली में, या फिर आप मांगलिक हैं, तो आपके लिए और भी अनिवार्य हो जाता है, शुभ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है नवरात्रि के दूसरे दिन का ये व्रत करना, आज के दिन दान पुण्य करना, उपासना करना, पूजा करना। रंगों का हमारे जीवन में एक बहुत ही खास महत्व होता है। जब भी हम बहुत डिप्रेसिव फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो वाइब्रेंट कलर्स देख के हमें एक हैप्पी फीलिंग होती है ना, बस उसी तरह रंगों का जो प्रयोग है वो पूजा अर्चना में भी उतना ही काम आता है। क्योंकि रंग ना कि सिर्फ देवी के प्रिय होते हैं, बल्कि रंग एक ग्रह को भी दर्शाते हैं। आज संयोग देखिए, नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो तप का आचरण करती हैं, और आज चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, यानी कि मंगल के नक्षत्र में ही है, उसका भी रंग लाल है। तो आज अगर आप लाल रंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो आपके व्रत से फल मिलने हैं, ये समझिए कि दुगने हो जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि लाल रंग को धारण करना है वस्त्र के रूप में। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र ना हो, जैसे आपके पास साड़ी नहीं है, अगर आप महिला हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं लाल शर्ट नहीं पहनना चाहता, या हो सकता है आपके पास ना हो, तो आप सिर्फ एक लाल धागा या लाल रुमाल जो है अपने पास रख सकते हैं, और देवी की पूजा में आप एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख कर दिया जो है पूजा में जला सकते हैं, या फिर लाल रंग के पुष्प उनको जो है चढ़ा सकते हैं, या आप लाल रंग का फल जैसे सेब जो है वो देवी को उसका भोग लगवा सकते हैं। तो इस तरह आज के दिन अगर आप ये लाल रंग का जो है प्रयोग करेंगे, तो आपका दिन और भी बेहतर हो जाएगा। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हलवा बटेगा, लेकिन जब बटेगा, जब आप तप करेंगे। क्या आपको पता है युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कितना खास है? दूसरे नवरात्रे ब्रह्मचारिणी की पूजा स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें करनी चाहिए, जिन्हें ऊंचे औहदों पर जाना है उन्हें करनी चाहिए। जब आपकी मम्मी आज आपसे कह रही है कि बेटा उठ जा, आज नवरात्रा है, मंगलवार भी है, माँ के मंदिर में चला जा, तो आज के युवा माओं के साथ जिद करते हैं कि हम ये नहीं मानते, कर्म खराब मत करें आप। अगर माँ ने व्रत रखा हुआ है या माँ पूजा कर रही है, घर में अखंड जोत जल रही है, तो घर में कुछ नियमों का पालन करें। शराब, सिगरेट, अंडे, मांस का प्रयोग नवरात्रों में करना 7 पीढ़ी को कष्ट पहुंचाने के बराबर है। अपने कर्म खराब ना करें। आपकी पत्नी ने व्रत रखा है लेकिन आपको व्रत पसंद नहीं है, तो आप उन्हें किसी भी तरह से मदद मत कीजिए, लेकिन फिर उन्हें तंग भी मत कीजिए। अब मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, आपने व्रत रखा है, पूजा की है, कीर्तन में जाना है, नाचिए गाइए। वैसे भी कहते हैं इस भवानी के दरबार में जो नाच ले उसे कहीं और नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अपनी सासू माँ को बीमार हालत में भूखा घर छोड़कर अगर आप
कीर्तन में नाचने जा रही हैं तो ये गलत कर्म है। माँ कहती है सबसे पहले अपने कर्म, अपना परिवार, अपने बच्चे, आप वो काम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभाइए। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो उधार पैसा लेके, क्रेडिट पर घी लेकर कभी भी ज्योत मत जलाइए, वो आपके भाव की भूखी है। मैं पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, मुझे तुम दिल से पुकारो, जगदम्बे कहो, माँ भवानी कहो, सिर्फ एक बार आज माँ के सामने नतमस्तक होकर अपनी नाक रगड़ दीजिएगा, आपको जो चाहिए वो आपकी झोली में डल जाएगा। स्टूडेंट से कहूंगी आज हनुमान जी के दर्शन करने हैं, आज माँ को एक अखंड नारियल अर्पण करना है, संकट मोचन आज आपको पढ़ना है। कौन सो संकट मोच गरीब पे, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आपके स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित होती हैं। आपका स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से लगभग 3 इंच नीचे होता है। रिश्तों में अगर खटास आ रही है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, घर में क्लेश या द्वंद है, या आर्थिक आय में कमी है, या कर्जों से आप डूबे हुए हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की अति आवश्यकता रहती है। कैसे जागृत करना है, तो आपने अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखना है। इसका रंग नारंगी होता है, नारंगी रंग का आसन में बैठें या फिर नारंगी रंग के वस्त्र पहने और साथ ही साथ इस चक्र पर ध्यान करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की 2 मुद्राएं होती हैं, क्योंकि इसका तत्व जल तत्व होता है, तो जल तत्व की मुद्रा यानी कि वरुण मुद्रा होती है। आप अपनी कनिष्का उंगली को अंगूठे से मिलाएं और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें इस तरह से, और उसके बाद उन्हें अपने घुटनों के ऊपर रखें। ये आपकी किडनी में अगर प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्स में प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको कंट्रोल करता है। और दूसरी मुद्रा है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा का मतलब होता है आपने अपनी बाएं हथेली को लेना है, उसके ऊपर दाएं हथेली रखनी है और दोनों अंगूठों के पोरों को मिलाना है। इस तरह से मिलाएंगे और इसे अपनी गोदी में यानी कि अपने लैप के ऊपर रखेंगे एक ध्यान की अवस्था में, और उसके बाद इसका जो मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, वो होता है वम। आपकी चेतना मूलाधार से अब आपकी स्वादिष्ठान में आई है, वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। नीचे से लेते हुए ऊर्जा को ऊपर को जाएंगे, जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो मंत्र नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे करेंगे, आंख बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और देवी माँ का आवाहन करते हुए वम ये बीज मंत्र है। इसे कई बार आप रिपीट करके इस तरफ ध्यान करेंगे, आपका चक्र जागृत होना शुरू होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते जाएंगे कि कहीं से कुछ आय मिल जाएगी, या फिर आपके आपस में रिश्तों में कहीं पे कुछ खुशहालियाँ आनी शुरू हो जाएंगी या रिश्ते मधुर होने शुरू हो जाएंगे। देवी माँ की कृपा बनी रहेगी और सुख सौहार्द आपके घर पर बसा रहेगा। माँ की शक्ति की यात्रा आगे बढ़ रही है। शैल पुत्री अब ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ले रही हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दूसरा स्वरूप है और इसमें जो माँ पार्वती है वो शिव को प्राप्त करने के लिए अनंत वर्षों की अथक तपस्या करती हैं और इस स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अनंत वर्षों केवल और केवल फल और पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन जो है शिव प्राप्ति के लिए लगा दिया। जब उनका शरीर इतना कृशकाय होने लगा, पतला होने लगा कि पत्ते जो आसपास पड़े थे वो भी सूखने लगे, तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाया और उसका नाम, देवी का एक नाम है अपर्णा। तो इस स्वरूप में एक खास बात है कि आपके अंदर जितना पेशेंस होगा, अपने गोल को पाने की जो शिद्दत होगी, तभी आप उस गोल को पा सकेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए आपको एक बहुत ही सिद्ध मंत्र दे रही हूँ। ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और अगर आप लोगों को ये मंत्र कठिन लगता है, संस्कृत के उच्चारण में दिक्कत लगती है, तो बस एक शब्द आका जाप आप कर सकते हैं, ओम रींग। हा और रा को मिलाकर बोलेंगे ओम
रिंग, बस इतना करने से अगर इसकी एक माला आप करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी आपके ऊपर प्रसन्न होती है, आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं सिद्धि का वरदान देती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे वो शिक्षा हो, विवाह हो, जो भी आपका गोल है वो आप प्राप्त कर पाते हैं। गुलाब के पुष्प, जब हम गुलाब के पुष्प देखते हैं तो हमारा खुद का मन कितना प्रसन्न हो जाता है, सोचिए माता का कैसे ना हो। मंगलवार का दिन है, लाल गुलाब खिले खिले माता को अर्पित कीजिए, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। मगर वहीं पे अगर बात करें गुलाब के महा उपाय की, तो करना क्या है अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार से बाधाएं आ रही हैं विवाह में, तो आज के दिन एक पान के पत्ते पर 11 गुलाब रखें, साथ साथ थोड़े केसर की पंखुड़ियां डालें, शहद रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह शीघ्र हो जाएगा। वहीं पर अगर घर में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती जा रही हैं और आप कठिनाई में आ रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है, एक 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र लें, इसमें 11 गुलाब रखें, एक कमल का पुष्प रखें और साथ साथ एक सिक्का रखें, चांदी का सिक्का रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 या 10 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें थोड़े से अक्षत के दाने डालें, अक्षत का ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल ना हो, पूरे चावल होने चाहिए। इसकी पोटली बना करके आप माता के समक्ष 9 दिन तक रखे रहें और अंतिम दिन जो है इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें। ऐसा करने से धन वर्षा होगी। अंतिम उपाय की बात करूंगी, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की उपासना कैसे ना करें। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा आपको सता रही है तो आज के दिन हनुमान जी को एक पीपल के पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लाल चंदन से लिख के 3 गुलाब के पुष्प रख के उस पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। जब भी नवरात्रि के व्रतों की शुरुआत होती है तो कई सवाल हमारी जिंदगी में उलझने बढ़ा देते हैं, जैसे कि व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं। मेरी माने तो बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप किसी रेगुलर मेडिकेशन पे हैं जैसे कि थायराइड, बीपी, शुगर, और आपको डॉक्टर ने नियमित रूप से समय समय पर दवाई लेने को कहा है तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। क्योंकि अगर सोचिए कि आपने दवाई जो है वो 2 दिन छोड़ दी और 3रे दिन सेहत बिगड़नी शुरू हो गई तो बाकी के व्रत कैसे करेंगे। जो माँ है ना हमारी, वो तो भावना की भूखी है। और आज हम बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, जिनके साथ तप जुड़ा है। तप यानी तपस्या, तपस्या के साथ जुड़ा है त्याग। तो जो त्याग करना है ना वो दवाई का नहीं करना, बल्कि जो त्याग करना है वो मोह, लोभ, काम, द्वेष, घृणा और तामसिक आहारों का करना है। माँ ने तो हमारी सिर्फ श्रद्धा से खुश हो जाना है, तो इसलिए सेहत संबंधित आराम पाने के लिए और आपके व्रत जो हैं वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो, आपको जो दवाई है वो समय पर ले लेनी चाहिए। तो फिर आज हमने जाना देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में, कितना खूबसूरत स्वरूप है, कितने अच्छे गुलाब के आपने उपाय जाने। लेकिन कल हम आपसे फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे 9 देवियों में और हम बात करेंगे देवी चंद्रघंटा घंटिका की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।